फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों, लूनर एक्लिप्स के दौरान यानी कि चंद्र ग्रहण के दौरान कई तरीके के मिथ्स होते हैं। मिथ यानी कि गलत धारणाएं, गलत फहमियां, अंधविश्वास, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान ये माना जाता है कि अगर गर्भवती औरत ये चंद्र ग्रहण को देख ले या चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ख़ास बातें कर ले तो उसको नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ढकोसलाबाजी है। आइए दो तीन मिथ्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनको डीबग करते हैं कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। पहला मिथ, जब चंद्र ग्रहण चल रहा हो तो कुछ खाओ मत, कुछ पियो मत। भैया, बिल्कुल बकवास बात है। जो प्रेग्नेंट औरत है उसको जल्दी जल्दी खाने की, पानी की ज़रूरत है, एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। उस दौरान तो भूख भी ज़्यादा लगती है। चंद्र ग्रहण अगर 3 घंटे चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखे पैसे बैठे रहो, इससे तो नुकसान ज़्यादा होगा, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान। बिल्कुल बकवास है, इसको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। हमारे में क्या है, मैंटेलिटी ये बनी हुई है कि अगर किसी पुराने अंधविश्वास में उसको फॉलो करने में कुछ जा नहीं रहा तो लोग बढ़ चढ़ के करते हैं। अगर वहीं पे आप कुछ ऐसा कुछ कर दो, ऐसा रिचुअल रख दो कि चंद ग्रहण के दौरान आपको 100 बच्चों को, अनाथों को खाना खिलाना है, या किसी को गोद लेना, या कोई पुण्य का काम करना है जिसमें खर्चा हो, तो देखना अपने आप ये रिचुअल की जो ये फॉलो करने की जो वो होती है एक्साइटमेंट, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। लेकिन कुछ जा नहीं रहा होता तो लोग कहते हैं कि यार चलो कुछ जा थोड़ी ना रहा है, बड़े बूढ़ों ने बोला कर देते हैं। बड़े बूढ़ों ने बोला इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ 100% सही हो। कल को आप खुद बड़े बूढ़े हो जाओगे, इसका मतलब थोड़ा ना कि आप जो कह रहे हो वो सही है हमेशा। तो बिल्कुल बकवास है। एक और मिथ इसका यह है कि धारदार धातु से दूर रहो, यानी कि चाकू, नेल कटर, पिन, इन सब से दूर रहो। अगर इन्होंने आपका हाथ काटना होगा, इन्होंने आपको चुभना होगा, तो ये बिना चंद्र ग्रहण के भी चुभ जाएंगे। चंद्र ग्रहण से इनको कौन सी किरणें आ रही हैं या करंट आ रहा है जो अपने आप उछल के आपके चुभ जाएंगे, इससे भी कुछ नहीं होता। जो तीसरा मिथ है वो इससे दूसरे वाले मिथ से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो ये है कि धातु पहनो, धातु मतलब कोई भी मेटल पहनो, सोना चांदी। अरे भैया, इसको पहनने से फ़ायदा नुकसान आज तक दुनिया में कभी किसी का नहीं हुआ। ये सिर्फ लोग सजाने के लिए, बॉडी को, चेहरे को सजाने के लिए पहनते हैं। पहनो या मत पहनो, चांद को क्या प्रॉब्लम है इससे, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी बिल्कुल मिथ है। एक मिथ ये है कि जब ल्यूनर एक्लिप्स हो या फिर कि चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण रात में ही हो रहा है ना, लोग कहते हैं कि कई लोग मिथ में गलत धारणा है, अंधविश्वास है, ये कहते हैं कि यूवी रेज निकलती हैं तो अपने घरों के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, ब्लैक पेपर उस पर चढ़ा दो, गत्ता लगा दो, बिल्कुल कोई किरण आए ना। कोई किरण आने से आप कोई भस्म नहीं हो रहे। ये रात वाले चंद्र ग्रहण में कोई ऐसी कोई यूवी रेज नहीं आती है। सन एक्लिप्स में, सोलर एक्लिप्स में आती है, तो उसमें आपको यूवी रेज में बचना चाहिए। उसमें आप बेयर आइज से सन को नहीं देख सकते हो, तभी लोग वो फिल्म से या फिर किसी 3D ग्लास से, किसी ना किसी चीज़ से कवर करके, गॉगल्स लगा के देखते हैं। लूनर एक्लिप्स आप नंगी आंखों से भी देखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ये भी मिथ है। तो ये थे 2-4 मिथ जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। छोटा था वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के नॉलेज वाले वीडियोज़ मैं कभी कभी बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।